तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शारिक तनवीर एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्स ज्ञान। तो आप लोगों को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्टली बता देता हूँ कि ये वीडियो में मैं आप लोगों को एक साल का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि ये एयरपॉड प्रो लेने के बाद में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा और कहाँ कहाँ कौन कौन से एरियाज़ में ये मेरा हेल्प किया। और क्या ये 17, 18, 19 हज़ार जैसा कि अभी सेल में चल रहा है ये, तो क्या ये एप्पल का एयरपॉड प्रो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये रियल रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू इट। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर मैं आपको ये बताऊँ कि एक साल में मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, तो एक साल में मेरा एक्सपीरियंस मिक्स्ड फीलिंग्स था। नॉर्मली अगर मैं आपको बोलूँ इंडिया में, तो नॉर्मली इंडिया में सब कोई एप्पल का एयरपॉड प्रो या फिर एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट इसलिए लेता है कि फर्स्ट सबसे बड़ा चीज़ कि उन्हें शो ऑफ करना रहता है। हाँ, आप मेरे बारे में भी ये कह सकते हो समहाउ, बट हाँ, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन में हमें शो ऑफ करना रहता है, तभी हम ये इस तरीके का चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। सेकंड सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि हाँ, हमने एप्पल का मोबाइल फ़ोन ले रखा है इसलिए हम करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान को पता है कि कनेक्टिविटी पार्ट में एप्पल टू एप्पल प्रोडक्ट या एप्पल का इको सिस्टम सबसे ज़्यादा बेस्ट है। लेकिन क्या 17,000-18,000 रुपये लगा करके एक हेडफोन लेना सही है या नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, नहीं है सही। अब पॉइंट बाय पॉइंट अगर मैं आपको बोलूँ, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अभी आपको नॉर्मली सेल में ये एयरपॉड प्रो आराम से 17,000-18,000 रुपये का, 16,000 रुपये का आराम से मिल जाएगा। मैंने कितने में ख़रीदा था, तो मैंने 15,500 रुपये में ख़रीदा था इसे, क्योंकि उस टाइम पे बिग बिलियन डेज चल रही थी और मुझे अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज़ करके। तो 15,500 में मैंने ये ख़रीदा था। लेकिन आपको क्या ये ख़रीदना चाहिए या नहीं, तो नहीं ख़रीदना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि सबसे पहला चीज़, जो नॉर्मल इंसान आपको कभी बताता नहीं है, कि कोई भी अदर यूट्यूबर आपके साथ शेयर नहीं करता ये एयरपॉड प्रो के बारे में, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इस एयरपॉड प्रो को इसलिए लेते हैं ताकि हम फ़ोन पर आराम से हैंड फ्री यूज़ कर पाएँ, राइट। मतलब कान में एयरपॉड को हमने लगाया और आराम से हम अपने फ्रेंड से या फिर अपना काम आराम से कर पाएँ फ़ोन पे बात करने का। लेकिन ये एयरपॉड प्रो में बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर हमने ये एयरपॉड को लगा लिया, और क्योंकि हम नॉर्मल इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में क्या है कि हम हर वक्त AC में नहीं रहते हैं, हम सीलिंग फ़ैन को भी यूज़ करते हैं, कूलर को भी यूज़ करते हैं, और ये एयरपॉड के माइक का और हमारे मुँह का डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि ये बाहर का विंड नॉइज़ के कारण क्या करता है कि हमारे ही आवाज़ को सेपरेट कर देता है। मतलब हमारे आवाज़ को ये नॉइज़ कैंसिल कर देता है और नॉइज़ को ये और ज़्यादा बूस्ट कर देता है, बहुत ज़्यादा। मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन में यही होता है। सो यहाँ पे नॉर्मल सिनेरियो है, फ़ैन ऑन है, ठीक है, बट फ़ैन के डायरेक्ट में मैं नहीं हूँ, इसीलिए आपको मेरी आवाज़ ठीक ठाक आ रही होगी। एंड देन आफ्टर अगर मैं आपको बोलूँ इसका लाइक ट्रांसपेरेंसी मोड, या फिर मैं कहूँ आपका लाइक इसका नॉइज़ कैंसिलेशन मोड, तो हाँ, बैलेंस्ड है, अच्छा है, बुरा नहीं कह सकते हैं। बट हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला बात यहाँ पे आ जाता है ना कि इसका माइक क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब अगर आप आउटडोर में फ़ोन कॉल करके बात करना चाहते हो, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने वाला है आपको। हाँ, लेकिन अगर आप इनडोर में हो, फ़ैन ऑफ करके अगर आप अपने फ्रेंड से बात करो, तो उनको क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आपकी आएगी। लेकिन हाँ, फ़ैन ऑन करोगे तो फिर आवाज़ नहीं आएगी। तो क्या फ़ायदा इतना ज़्यादा पैसा वेस्ट करने का। मतलब एक मैं नॉर्मल 200 रुपये का भी हेडफोन अगर परचेस करता हूँ, तो फ़ैन करूँ या कूलर करूँ या जहाँ पे भी मैं जाऊँ, कम से कम मेरा आवाज़ तो ठीक से जाएगा। हाँ, लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको बोलूँ, ये मेरे पास है एक TWS ओप्पो का, ओप्पो एनको W51, इसमें ये सारा कोई कंप्लेन नहीं है। अगर मैं आपको बोलूँ नॉइज़ कैंसिलेशन के बारे में, तो इसमें और इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब नॉइज़ कैंसिलेशन वाइज दोनों सिमिलर है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। अगर मैं आपको बोलूँ ट्रांसपेरेंसी मोड के बारे में, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं मिल जाता, लेकिन हाँ, ट्रांसपेरेंसी मोड बहुत ज़्यादा वर्केबल भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप नॉइज़ कैंसिलेशन मोड के साथ ही में आप इसे यूज़ करोगे, राइट। प्लस माइक का अगर बोलूँ, तो ओप्पो एनको W51 में तीन माइक दोनों पेयर ऑफ हेडफोन में है, मतलब टोटल 6 माइक है, जिसके कारण आप अगर विंड में हो, आप अगर आउटडोर में हो, आप कहीं पे भी क्यों ना हो, क्रिस्टल क्लियर आपकी आवाज़ जाएगी सामने वाले को। और अब मैं सबसे ज़्यादा अगर आपको बोलूँ, तो नॉर्मली अगर हम एप्पल के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, तो हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्शनली गुड नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एक चीज़ बैलेंस मिले हमें, राइट, तभी हम इतना ज़्यादा पे करते हैं। लेकिन जब अगर हमें हर एक चीज़ बैलेंस नहीं मिल रहा, और मेजॉरिटी चीज़ जिसके लिए हम किसी भी प्रोडक्ट को बाय करते हैं, किसी भी हेडफोन को बाय करते हैं, वो होता है उसका माइक। लाइक हमें फ़ोन पे बात करना है उससे, तो फ़ोन पे बात करने के लिए तो बिल्कुल वर्थ बाइंग नहीं है। एंड अगर मैं आपको अपना ओपिनियन बताऊँ, तो बहुत बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि
आईफोन के साथ में इस एप्पल एयरपॉड प्रो को जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्पेशल ऑडियो ही वर्क नहीं करता है, बहुत बार ऐसा होता है कि स्पेशल ऑडियो में डिफरेंस ही नहीं फील कर पाते हम, जितने हमारा नॉर्मल ईयर जो है वो स्पेशल ऑडियो को और नॉर्मल ऑडियो को नहीं चेक कर पाता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। प्लस क्या है, कनेक्टिविटी इशू बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत बार ऐसा होगा ना कि हर हफ्ते में एक बार आपको अपने एयरपॉड को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, फोर्स प्रेस करके इसे रिपेयर करना पड़ेगा अपने आईफोन के साथ में, तब जाकर के ये प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट होता है। तो ये सारा जो इशू है, ये सारा इशू मुझे एक मिक्स फीलिंग्स प्रोवाइड कराता है ये एयरपॉड प्रो को लेकर के, कि इसे लेना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं ऑनेस्टली अगर आपको बोलूँ तो 17,000-18,000-20,000 रुपये अगर आप किसी हेडफोन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें अगर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हैं तो वो वर्थ गिविंग नहीं है, राइट। मैंने देर आर चांसेस कि आप अभी कमेंट सेक्शन में ये मुझे बोलो कि आपको एप्पल केयर में जाकर के एक बार ये एयरपॉड को चेक कराना चाहिए, तो शायद इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो। तो मैंने वो भी करा करके देखा, लेकिन ये इनका सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज़ है और इनका ये हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज़ है, मतलब कि इनके दोनों पेयर ऑफ ईयरफोन में दो दो माइक अवेलेबल है, तो दो दो माइक अवेलेबल है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे से सारा काम नहीं कर पाते, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम इसे नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में एक्टिवेट करेंगे, तो नॉइज़ कैंसिलेशन मोड में क्या है कि आपका माइक यूज़ हो रहा है और फिर साथ में जब आपके फ़ोन पे बात कर रहे हो तो उसमें भी वही सेम माइक यूज़ हो रहा है, तो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा गोंडोगोल कर देता है। तो इसीलिए अगर फाइनल वर्डिक्ट की मैं बात करूं तो आप इतना ज़्यादा भी पैसा इन्वेस्ट मत करो इस सेल्स में जा करके, और इसके जगह पे आपके पास में वैराइटीज़ ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास में, कि जैसे ये ओप्पो इनको W51 आप यूज़ कर सकते हो, या फिर सैमसंग का ईयरबड ले सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस और काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको क्वालिटी प्रोवाइड कराता है, कुछ हद तक आपको इससे भी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी प्रोवाइड कराएगा। कनेक्टिविटी इशू बिल्कुल नहीं है उसमें, मैंने पर्सनली यूज़ किया है उसे। फिर अगर मैं आपको बात करूँ, माइक क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, मतलब कि अगर आप उसका फुल माइक का कैपेसिटी को ऑन कर दोगे तो अगले रूम में कोई अगर बात कर रहा है तो वो तक आपको सुनाई दे देगा, अगर आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो वो ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन आएगा सेम प्राइस रेंज में 14,000-15,000 रुपये में, तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए। हाँ, और सैमसंग आप ऐसा भी नहीं सोचिए कि सैमसंग का ईयरबड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपके आईफोन में वो नहीं काम करेगा, बिल्कुल करेगा, बहुत अच्छे से करता है। तो आप समझदार बनो और ये सारा चीज़ मत करना। तो उम्मीद है आपको फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो, कुछ नॉलेज आपको प्रोवाइड कराया गया होगा, अगर कराया गया होगा तो प्लीज़ बड़ा सा लाइक बटन दबा दो आप, और अगर इस चैनल पे न्यू आ गए हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो आप, क्योंकि इस तरीके का नॉलेजफुल वीडियो मैं हमेशा लेकर के आता हूं, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है अनबॉक्स ज्ञान, तो हम हमेशा ज्ञान को अनबॉक्स करने की कोशिश करते रहते हैं। टिल देन, हैव अ नाइस डे, मौजूदा।